मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, मगर अब कल जिस तरह से 57 साल के व्यक्ति की केईएम अस्पताल में मौत हो गई थी, वो कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट में पाया गया है। आपको बता दें कि मुमरा के अमृत नगर में दादी कॉलोनी में विघ्नहर्ता अपार्टमेंट में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इमारत को सील कर दिया गया है, मगर उसी विघ्नहर्ता इमारत के पीछे मुस्कान अपार्टमेंट में इसी कोरोना पॉजिटिव का एक रिश्तेदार 57 वर्षीय रहता था। कल उसकी मौत केईएम अस्पताल में हो गई थी, मगर रिपोर्ट आना बाकी था। मगर अब पुष्टि हो चुकी है कि 57 वर्षीय व्यक्ति की मौत कोरोना संक्रमण से हुई है, यानी कि मुमरा में 2 कोरोना वायरस संक्रमण में से एक 57 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि एक कोरोना संक्रमण का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण को फैलते देख प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। ड्रोन कैमरे के जरिए मुमरा के गलियों में अब नजर रखी जा रही है। अगर गलियों में भीड़ है तो ड्रोन कैमरे के जरिए अलाउंस कर उन्हें घर में जाने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा कलेक्टर के आदेश पर अति आवश्यक सेवा के अलावा कोई भी वाहन लेकर सड़कों पर नहीं चल सकता है, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो या फिर 4 पहिया वाहन। सड़कों पर अगर दिखाई दिया तो वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। किसी भी तरह से कोई भी वाहन लेकर सड़कों पर नहीं चल सकता है, ये आदेश कलेक्टर के तरफ से जारी किया गया है। इसी तरह से आज मुमरा में कार्रवाई की गई और जो लोग सड़कों पर वाहन लेकर चल रहे थे उनके वाहनों के पहियों के हवा निकाल दिए गए। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं, देखिए किस तरह से ड्रोन कैमरे के जरिए मुमरा की गलियों में नजर रखी जा रही है और किस तरह से सड़कों पर चलने वाले वाहनों के पहियों के हवा निकाल दिए जा रहे हैं। और अब कलेक्टर का आदेश है कि सड़कों पर कोई भी प्राइवेट गाड़ी लेकर नहीं चल सकता है, जो अति आवश्यक सेवा है सिर्फ वही चल सकते हैं। क्या जानकारी दी है पीआई रामचंद्र वलतकर ने। सेक्शन में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, वह आप कृपया घर पे जाइए। बैठी चाली के सामने पार्किंग सेक्शन में बहुत सारे बच्चे घूम रहे हैं, आप घर पर जाइए। उसी बिल्डिंग के बाजू के टेरेस पर बहुत सारे लोग हैं, आप भी घर पर जाइए। जहाँ पर रेती गिरी है, रेती के बाजू में भी बहुत सारे लोग हैं, आप कृपया घर पे जाइए। सर, भारत में पूरा लॉकडाउन किया है। लॉकडाउन करने के बाद ही मुमरा सिटी ही लॉकडाउन किया है, लेकिन कुछ 4-व्हीलर वाले, 2-व्हीलर वाले और बाइक, ऐसे लोग बिना कारण रोड पे घूमते हैं। इसलिए माननीय कलेक्टर साहब ने ऑर्डर निकाला है कि वो जो गाड़ी इसेंशियल नहीं है, कभी जो फूड सप्लाई करते हैं वो गाड़ी छोड़कर बाकी जो गाड़ी है वो जो बिना कारण घूमते हैं उनका गाड़ी जब्त करने का आदेश दिया है। उनके मुताबिक सब गाड़ी का चेकिंग चल रहा है और उसके बाद जो गाड़ी भी मिलेगी उसके ऊपर एक्शन चल रहा है। मेरा मुमरा वासियों को निवेदन है कि बिना कारण कोई काम नहीं रहेगा तो गाड़ी लेकर सिटी में मत घूमिए, नहीं तो गाड़ी जब्त किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। कलेक्टर का जो आदेश है ये कहाँ पर से मुमरा में है, इसके अलावा नहीं, कलवा दीवार में? नहीं, पूरा कलवा दीवार में सब थाना सिटी में कलेक्टर साहब का आदेश है, उसके मुताबिक 2-व्हीलर 3-व्हीलर और 4-व्हीलर गाड़ी घूमना नहीं चाहिए। कोरोना वायरस की वजह से वो स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जा रहा है। उसका कोई टाइमिंग है सुबह से कितने बजे तक? भाजी मार्केट में जो मुमरा सिटी है, भाजी मार्केट में भी आदमी पैदल जा सकता है, कोई उधर इसलिए 2-व्हीलर 3-व्हीलर 4-व्हीलर लेकर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुमरा सिटी का इतना लंबा अंतर 2-3-4 किलोमीटर का है, तो नज़दीक के लोग नज़दीक भाजी भी। प्राइवेट गाड़ियां जो है पूरी तरह से वो बंद कर दी, प्राइवेट गाड़ी पूरी तरह से प्राइवेट 2-व्हीलर और रिक्शा 3-व्हीलर सब बंद किया गया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।